भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा तेंदुलकर सीहोर के भैरुंदा ब्लॉक के जामुन झील और सेवनिया पहुंची। यहां उन्होंने सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की ओर से गोद लिए गए गांवों में की जा रही गतिविधियों का निरीक्षण किया। और आपको बता दें कि सीहोर जिले के 5 कुटीरों में सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन काम करती है, उन्हें गोद लिया हुआ है और आर्थिक मदद दी जाती है। और इससे पहले सचिन तेंदुलकर भी सीहोर जिले के इन कुटीरों में गए थे। और जिले में नयापुरा, खापा, बेलपाटी, जामुन झील और सेवनिया में सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की ओर से कुटीर संचालित किया जाता है। और इन कुटीरों में यहाँ के बच्चे सुबह शाम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और इस दौरान बच्चों को सुबह शाम श्री राम श्री कृष्ण के भजन भी सुनाए जाते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा दिए जाने का काम किया जाता है। बच्चे यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ ड्राइंग और अन्य गतिविधियां भी करते हैं। इन कुटीरों में 3 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों को पढ़ाया जाता है। सुबह शाम इन्हें यहाँ पर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है और सुबह 7 से 10 और शाम 4 से 6 बजे तक इन्हें पढ़ाया भी जाता है। इस बीच में जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं वो स्कूल भी जा सकते हैं। और कल आईपीएल का 32वां मुकाबला खेला गया जिसमें दिल्ली ने गुजरात